सूरजपुर में अब मनचलों की खैर नहीं। इन मनचलों को सबक सिखाने के लिए सूरजपुर पुलिस ने टीम रक्षक गठन किया है। क्या यह टीम रक्षक और रोड छाप मजनू पर कैसे कहर बनकर बरस रही है यह महिलाओं की टीम, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नीली वर्दी में बाइक से गश्त लगाई ये महिलाएं, यह आम महिलाएं नहीं, यह सूरजपुर की महिला पुलिस है जिन्हें नाम दिया गया है टीम रक्षक। 12 सदस्यीय यह टीम लगातार दिन भर स्कूल कॉलेज के आसपास पेट्रोलिंग करती है और यदि कोई मनचला लड़कियों को छेड़ता है तो यह टीम पहले उन मनचलों को सबक सिखाती है और फिर स्थानीय पुलिस थाने को सौंप देती है। इस टीम की सभी 12 सदस्य को जूडो कराटे सहित कई तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इस टीम रक्षक का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ हो रहे छेड़छाड़ और महिला अपराधों की कमी लाना है। जिले के सभी स्कूल एवं कॉलेजों में हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिसमें कभी भी जरूरत पड़ने पर इन्हें फोन किया जा सकता है। आगे चलकर इस टीम को डायल 100 और डायल 112 से भी जोड़ने की प्लानिंग है। आज माननीय आईजी सर के प्रेजेंस में टीम रक्षक जो सूरजपुर पुलिस में स्पेशली टीम महिला पुलिस कर्मियों के गठित की गई है जो तमाम नगरी और ग्रामीण इलाकों में प्रभावी गश्त करेंगे और छेड़छाड़ और महिला अपराध की रोकथाम के लिए कार्यरत रहेंगे, उसका शुभारंभ का एक कार्यक्रम था। इसी के साथ में ये टीम विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में जाके महिला अपराधों के विषय में जागरूकता, कानूनी व्यवस्था और जो हिम्मत का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके तहत आत्म रक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके साथ में भी ये टीम लिंक्ड अप रहेगी और आने वाले दिनों में इसके माध्यम से महिला अपराधों में रोकथाम होगी और कम होगा, ऐसी हमारी इच्छा काम है। टीम रक्षक से आम लोगों को जोड़ने के लिए किस तरह से इसको आने वाले दिनों में आईजी सर के निर्देश से जो डायल 100 डायल 112 जो पैनिक डिस्ट्रेस कॉल्स के नंबर रहते हैं उससे भी इसको जोड़ा जाएगा ताकि कोई भी डिस्ट्रेस कॉल जैसे ही लैंड होती है वो इमीडिएटली ये टीम मोबिलाइज। टीम रक्षक जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में जाकर छात्राओं से मिल रही हैं और उन्हें मोटिवेट करने के साथ उनके सुरक्षा के लिए जागरूक कर रही हैं। इस टीम रक्षक को छात्राओं का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है और वह खुलकर अपनी समस्या इनको बता पा रही हैं। ये रक्षक टीम का जिम्मेदारी मिलके अपने आप में प्राउड फील हो रहा है और ये जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे और एक जो क्राइम आजकल जो हो रहा है उस हिसाब से जो टीम जो बना है उसे अपराध होने से पहले हम इसको रोक सकते हैं। एसपी मैडम के द्वारा जो पहल की गई है ये हम सफल बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? फिलहाल तो हम लोग की टीम में 12 लोग की टीम है और इसमें हम लोग को बाइक से अपन जाते हैं, जैसे कोई भी सूचना मिलती है कंट्रोल को सूचना मिलेगी और जो टोल फ्री नंबर वही मैडम जो बताई हैं वो नंबर से कॉल जाता है तो हम लोग को सूचना मिलेगा, सूचना मिलता है तो हम लोग ऐसे ही कंट्रोल रूम में रहेंगे और जैसे सूचना मिलता है वैसे जहाँ भी घटना स्थल जो भी है सूचना स्थल जो भी है वहाँ पर पहुँचना है और अपन को जो टीम रक्षक को अपने बीच पाकर स्कूल और कॉलेज की लड़कियां भी काफी उत्साहित दिख रही हैं। छात्राओं के अनुसार अक्सर स्कूल आते जाते समय उन्हें रोड छाप मजनुओं के छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ता था लेकिन डर और शर्म की वजह से वह किसी से यह बात नहीं बता पाती थी, लेकिन टीम रक्षक में सभी महिलाएं होने की वजह से भी छात्राओं को इनसे अपनी समस्या बताने में सहूलियत होती है।